गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्री अकाल, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है हमारे दादी के 3 साल के फातह बरसी है आज उनकी। तो फिर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके तरफ से 3 बार कुल कसूरा पढ़ के मेरे दादा दादी के नाम से और पूरे दुनिया में जितने भी लोग गुजर गए उनके लिए पढ़ के बकश दो उनके नाम से, तो इसका सवाब वो लोगों को भी मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। तो वही फिर आज शाम को बच्चे लोग आने वाले असर के टाइम में, फिर मदरसे के बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, फिर फातह हो गए उनके नाम से और फिर उनके लिए खाना वगैरह का रखा है, तो वो सब होगा। फिर अभी मम्मी और अल्फिया निकल रहे दांडेगर पुल पे जाने के लिए, तो वो जाएंगे उधर और मेरे को थोड़ा देर रुक के यहाँ पे जाना है, क्योंकि ये जो अपने मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सोफे का काम चालू हुआ है अपने नए, तो वो सोफा भी आने वाला है घर पे और फिर ये सोफा भी निकलना है यहाँ से बाहर, तो इसलिए फिर मेरे को अभी रुकना है घर पे। तो निकल गए दोनों माँ बेटी लोग उधर जाने के लिए। तो आ गए हमारे भाई। क्यों इतना लेट, क्या हो गया, चक्कर क्यों आ रही थी तुमको? झूठ बोल रहे थे ना, सच्ची बोलो, झूठ बोले ना? ए भैया, सोए थे ये? सच्ची सोए थे? तो गाइस देखो, ये अपना सोफा एक तो निकलता नहीं है, तो इसलिए पूरे दोनों दरवाजे खोलने पड़ गए अभी, क्योंकि जब लाए थे तभी भी ऐसे ही पूरा खोलना पड़ा था, तो अभी देखते निकालते अपन। दरवाजा इधर ठेवतो आपण। A few moments later. Finally निकल गया बाबा, बहुत टाइम लगा पर निकल गया। आ गया दूसरा वाला भी बाहर और इधर एक पैर तोड़ दिया हमारे द्वारका भाई ने तो अभी वो एक पैर उसका लगा रहे फिर से। तो अभी ये टेम्पो में जा रहा है अपना सोफा, क्या ऐसा करते क्या लद्या जान दो। अभी ये जा रहा है सोफा, फिर निकल गया फाइनली सोफा। देखो पूरा एकदम क्लीन, अभी बड़ा लग रहा है एकदम हॉल और थोड़ा अपना। तो अभी वो सोफा तो चला गया, फिर अभी वो दूसरा जो आधा काम हो गया सोफा का अपने वो घर पे आएगा, फिर इधर वो रखेंगे और फिर थोड़ा सा जो काम बचा है उसका फिर से वो माप लेके फिर वो पार्ट बनेगा वो सोफे का, और फिर परसों तक हो जाएगा इंशाल्लाह। A few moments later. गाइस फिर चलो अभी निकल गए, हमें जाते उधर, बच्चे आते ही रहेंगे थोड़ी देर में, तो फिर निकलते उधर जाते और सब तैयारी करके रखते वहाँ पे। आ गए अभी बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए और यहाँ पढ़ाई चालू हो गई थी, यहाँ मम्मी लोग बैठ के बीन्स पढ़ रहे और अंदर बच्चे लोग अपने जनाब के साथ। आरिज भाई भी आ रहे हैं ऊपर। शोएब भाई चाय लेके आया बच्चे लोग को, इधर ही चला, यहाँ से भर के लेके जाए। चपाटी भी आ गई पाते के लिए, बैठे सब। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर फाते वगैरह हो गए, अभी नीचे मस्जिद के इधर बच्चे लोग को खाना खिलाते। अंदर दो भाई, एक सवाल कम से कम 50 बार पूछता अलीज खाना खाए तू? जनक की शादी,
पहले बोल तू जानक की शादी बोल अरे चाचा की शादी बोल नाना की शादी अरे चाचा की नाना की शादी अरे चाचा की अरे चाचा की नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया एकदम अच्छे से। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि प्लीज अगर कुछ हो सके आपसे तो 3 बार सूर्य इखलास पढ़ के कुल का सूरा पढ़ के जरूर बकसना दादा दादी के वास्ते मेरे, और साथ ही सभी जितने भी लोग पूरे दुनिया में गुजर गए उन सबके लिए सवाब पहुंचाना। तो सब हो गया एकदम अच्छे से, सब बच्चे लोग को अच्छे से खाना वगैरह खिलाया, सबको बांटा भी खाना। फिर अभी आ गए हम लोग ऊपर अपने रज्जोची के इधर, यहाँ खाना खाते और फिर निकलते। मेरे अल्फिया का सर दुख रहा और बहुत। हो गया अभी खाना खाएंगे फिर घर पे जाएंगे फिर सो जाओ तुम। हाँ ओके। अरे यार हुसैन क्या सर का इधर उधर भाग रहा, बैठ गए कंप्यूटर चालू करके गेम खेल ले। चलो ए खाना निकाल ले, नीचे खाया क्या भाई, नीचे खा के बैठा है। फिर आ गए हम लोग घर पे और इधर देखो ये अपना आधा अधूरा सोफा इतना सा बन के आ गया है। वैसे अच्छा लग रहा है अभी भी ऐसे मतलब, और जब पूरा काम होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा मस्त। इसको स्टोरेज भी रहे सब कर दिया यहाँ से, अभी सब ये क्या क्या काम क्या क्या थोड़ा डेकोरेट वगैरह करेंगे इसको फिर दिखाऊंगा आपको। तो गाइज हमारे मैडम का सर अभी तक अच्छा नहीं हो गया तो इसलिए फिर अभी जा रहे हैं हम लोग एक डॉक्टर के पास क्लिनिक में, मैडम को जाके दिखा के आते हैं दवाई वगैरह लेके आते हैं। हाँ बैठो बैठो संभल के बैठो। ले लिए गाइज फिर मेडिसिन, डॉक्टर सर बोलेगा कुछ नहीं दे दिया है डोज वगैरह सब हो जाएगा बोले ठीक। फिर क्लिनिक में से निकले हम लोग और सामने ही हमको वेंकीज दिख गया, तो थोड़ा सा खाते अभी इधर और फिर जाते। तो दे दिए गाइज ऑर्डर, तो अभी ऑर्डर आएगी 10 मिनट रुको बोले हमको, हम बोले जल्दी करो भाई जल्दी करो हमको भूख लगी ऐसा बोले उनको। तो अभी आएगी ऑर्डर फिर खाते और घर पे जाते। घर पे जाने का ना आज नहीं लगी था गाइज, घर पे जाने वाले। आवाज़ नहीं आई मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू सर। अल्फिया को डॉक्टर ने एक गोली दिए थे तो वो खा के 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं था, और मतलब 15 मिनट के बाद ऐसे 2-3 गोली थे खाने के, तो उसकी लास्ट गोली बची थी तो उसको वो अभी खाने की थी। तो और नेम का वो टाइम हो गया और तभी ऑर्डर आया, तो मैं बोला यार अभी देखो गोली खाना पड़ेगा और 15 मिनट के बाद देखो ये खाने आएगा, तो मैं बोला ठीक है चल तू गोली खा ले 15 मिनट में मैं सब ये गायब कर देता। देखो कैसा देख रही खाने को, फोन में टाइम देख रहे और बोले यार सिर्फ 3 मिनट ही हो गए अभी तक, 4 मिनट ही हो गए अभी, और कितना मिनट है भाई तब तक आराम से पूरा गायब करता मैं, देख गारंटी दे तो देखो गारंटी पूरा गायब कर दूंगा। प्राइस खा रही गुपचुप हो गया खा के। हो गया मैडम तो चलो फिर यहाँ पे मम्मी अब्बा के लिए भी लावा केक अच्छा लगता है, हाँ वो इस घर के वास्ते भी लावा केक ले लिया अच्छा लगता है घर पे खाने के लिए, तो अभी जाते और फिर मिलते आपसे अभी घर पे जाके। तुम्हें चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया है। no, no. नहीं इधर ही चुरुक मैं जा रहा घर पे। चुप चुप कितना डरती रहे आपसे तू, चल सॉरी बोल मेरे को सॉरी बोल, मैंने बोल जा फिर भाई बड़ा हरामी हो बेटा, सॉरी बोल जल्दी। सतेंगी मेरे को सतेंगी क्या मेरे को बोला उसको। कितना डर रही देखो ये, चलो मैं तुम्हें काटूंगी जल्दी। इसी मजा आई अल्फिया घर पे जाकर करती है। बहुत डरती एक नंबर की डरपोक है। तो गाइस फिर अल्फिया को अभी घर पे ड्रॉप किया और एम भाई का फोन आया था कि एम भाई श्री और तन्नू भाई इधर खाना खा रहे हैं अपने बाबाज होटल में, तो भाई के पास जाते। तुमको घर पे खाना नहीं देते घरे, खाना नहीं देते क्या घर पे? यार ये दोनों भाई लोग है ना एक चीज के लिए बहुत पीछे लगे, वो क्या चीज है वो आपको आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। क्या बोल रहे भाई लोग? आने 3 पटेल मतलब 1 पटेल भाई। भाई लोग को एक प्लान है, देखते अभी क्या होता है क्या नहीं, पर भाई लोग तो जरूर है उसमें, बाकी पटेल में से एक कोई ना कोई रहेगा इंशाल्लाह साथ में। A few moments later. ये
अप्पाचा विषय ले आडे मत बसू सांगतोय तुला ए ड्रायव्हर ठीक से गाडी लगा रे बाबा चल भाग लगा सीधी गाडी क्या तो भाई लियो का बर्थडे लियो के बर्थडे को आ बोल रहे हैं मिलने के लिए तो करके फिर लियो से मिलने के लिए आए आप लोग को याद नहीं रहेगा लियो कौन है क्योंकि बहुत पहले देखा रहेगा आपने व्लॉग में तो चलो आपको आज लियो भी दिखाता हूँ तो ये है गाइस अपना लियो बर्थडे बॉय लियो 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 हैप्पी बर्थडे लियो अरे तो पार्टी नाही देणार आहे तुला त्याला काय एवढं मिस करतो लिओ लियो के बर्थडे के केक खा रहे भाई लोग लगी चाया वो भी लगी चाया अरे लॉक उगड़ ना लौक इतना भंगर है ना गाइस ये जानबूझ के लॉक नहीं खोल रहे खोल जल्दी फिर आ गए घर पे तो इसी के साथ ये व्लॉग को अपन इधर ही एंड करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग देख के मजा आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।